सारे पैमाने पी जाऊंगा एक दिन, यूं कहिए कि डर जाऊंगा एक दिन। मौत का खौफ नहीं रखता विशाल, मरने का क्या है, मर तो जाऊंगा एक दिन। एक चीज़ देखिएगा कि ये एक तरफा मोहब्बत पे है कि उसका लहजा ही ऐसा है। ऐसा होता है ना कि आपका जो पार्टनर होता है वो हर किसी से बात कर लेता है, ठीक है, और आप उस पर पॉइंट उठा रहे होते हो कि यार तू बात क्यों कर रहा है, तो उसी चीज़ पे है कि उसका लहजा ही ऐसा है, वो हर किसी से बात कर लेता है, मियाँ बिना बात की बातें कर लेता है। सितारे तोड़ के रखता है जो शायर अपनी ज़िद में, सिर्फ एक आवाज़ से वो उसे कैद कर लेता है, सिर्फ एक आवाज़ से वो उसे कैद कर लेता है। मुझे उसके लहजे पे शक नहीं है, डरता हूँ कहीं चोट ना खा ले। मुझे उसके लहजे पे शक नहीं है, डरता हूँ कहीं चोट ना खा ले। यार उसका हक है चाहे जितना मर्जी वो आजमा ले, यार उसका हक है वो जितना मर्जी आजमा ले। मेरी आंखें देख के हाल जानने वाला, देखना भाई के मेरी आंखें देख के हाल जानने वाला, बदल गया यार मुझे संभालने वाला। मेरी आंखें देख के हाल जानने वाला, बदल गया मुझे संभालने वाला। अब किससे शिकवा करेंगे, किसे अपनापन जताएंगे, यार मेरा तो वो सब ले गया मुझे संभालने वाला, मेरा तो वो सब ले गया मुझे संभालने वाला। एक तस्वीर के अंदर ऐसा देखा मुझे कि किसी की आंखों में देखा मुझे, एक कागज पे ऐसा उतरा मैं कि किसी की हाथों की कला जैसा देखा मुझे। अब मैं ही खुद की जान कैसे बचाऊं, यार देखो किसी के हाथों में कैद देखा मुझे। एक चीज देखिएगा कि कितनी नफरत हो गई है उनसे कि मिलने का मन नहीं करता, कितनी नफरत हो गई है उनसे कि मिलने का मन नहीं करता। हम ही हैं एक उनके तलबगार, और देखो अब हमारा भी उनसे मिलने का मन नहीं करता। एक चीज़ देखना कि तस्वीरें आंखों में क्यों छुपती हैं, मेरा एक सवाल था जो मैंने पूरा उतारा, कोशिश करी, अच्छा लगे तो बताना कि तस्वीरें आंखों में क्यों छुपती हैं, अंधेरा क्यों पसंद आता है, तस्वीरें आंखों में क्यों छुपती हैं, अंधेरा क्यों पसंद आता है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या, ये बर्तन मुझे खाली क्यों नजर आता है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या, ये बर्तन मुझे खाली क्यों नजर आता है। दरख्त के नीचे बैठे हैं, अकेलापन नजर आता है। तुमने कहा था हम अलग नहीं होंगे, तुमने कहा था हम अलग नहीं होंगे, पर ये पंडित तो मुझे कुछ और बताता है, पर ये पंडित तो मुझे कुछ और बताता है, पर ये पंडित तो मुझे कुछ और बताता है। यादें मिट गई हैं जब भी तुझे दिखती नहीं है, कौन सी कैद में हूं मैं। यादें मिट गई हैं जब भी तुझे दिखती नहीं है, कौन सी कैद में हूं मैं, यार जो रिहाई मुझे मिलती नहीं है। फकीरों से क्यों राबता हो रहा है, मेरे अंदर कोई एक मुद्दत से सो रहा है, मेरे अंदर कोई ना जाने एक मुद्दत से सो रहा है। आईना भी देखो झूठ बोल रहा है, मियाँ देखो ये क्या क्या हो रहा है, मियाँ देखो ये क्या क्या हो रहा है। मेरे हाल की खबर उसको है, इंतजार की बेताबी सिर्फ मुझको है। उसने कहा था मैकशी टूटने के बाद आएगा मिलने, वादा उसने तोड़ा और बेताबी मुझको है। फिर एक ना एंड में मलाल रह जाता है कि यार मैं सही हूँ या गलत हूँ, क्या है क्या नहीं। तो ऐसे है कि मैं सही हूं या नहीं इसकी खबर नहीं है, तू है मेरे अंदर या तू नहीं है, या तू नहीं है। अब मुलाकात की जरूरत किसको है, दर्द देने को तस्वीरें काफी हैं। अब मुलाकात की जरूरत किसको है, तस्वीरें काफी हैं दर्द देने को। मुलाकात तुम करती रहना उससे, तस्वीरें काफी हैं दर्द देने को। कुछ दो चार चीज और फिर मैं उठ जाऊंगा।
दो दो फोन है। मसला ये रहा हमारे साथ हमारे रहने में, कि हमारे साथ हम रहे पर सिर्फ कहने से, पर सिर्फ कहने से। जब जब उठी आंखें, ये ना मेरे पे जो पॉइंट उठे तो मैंने उस चीज़ पे लिखा कि जब जब उठी आंखें मेरी जुबान चुप कराने को, मेरे गुरुओं ने बोला अरे यार विशाल चल रहने दे, अरे यार विशाल चल रहने दे। और एक ऐसे है कि सारे पैमाने पी जाऊंगा एक दिन, यूं कहिए कि डर जाऊंगा एक दिन, मौत का खौफ नहीं रखता विशाल, मरने का क्या है, मर तो जाऊंगा एक दिन। एक आखिरी चीज के साथ उठूंगा कि समुद्रों से बदसलूकी अच्छी नहीं होती, शायरों से बदतमीजी अच्छी नहीं होती, और जो ये तुम मेरे सामने खड़े होके मुझे गुरूर दिखा रहे हो, मेरी जाना ऐसी बातें अच्छी नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया।